टुडे वी विल स्टडी दोस पार्ट कि हाँ इन 15 सालों में सुर डायनेस्टी ने क्या करा। ठीक है, शेष सूरी सुर इंटरग्नम फ्रॉम फिफ्टीन ईयर्स, ये 15 साल के लिए, और इस 1540 से लेके 1545 तक शेर शाह सूरी रूल करेंगे 5 साल, 5 ईयर्स ही विल रूल। अब ये शेरशाह सूरी थे कौन? शेरशाह सूरी बंगाल के अंदर एक डायनेस्टी थी जहां के रूलर्स हिंदू थे, और उनके किंगडम के अंदर में फादर ऑफ शेरशाह सूरी वॉज अ कमांडर। और अफगान्स हमेशा से एज अ वॉरियर फेमस रहे, चाहे अफगानिस्तान के अंदर हो, चाहे वो पंजाब सिंध वाले रीजन पे हो, चाहे वो इंडिया के अंदर हो, चाहे वो कोई मुस्लिम डायनेस्टी रूल कर रहा है या मुस्लिम एम्पायर है वो है, या फिर हिंदू एम्पायर है तो वो भी है, हर कोई अफगान्स को एज अ वॉरियर दे रिक्रूट सोल्जर्स फ्रॉम अफगान लीनियज बिकॉज दे वर एक्सलेंट वॉरियर्स। ठीक है, और इंडिया के अंदर भी जब दिल्ली सल्तनत आई थी उस टाइम से ही अफगान्स इंडिया के अंदर एज अ वॉरियर आना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो अफगान्स बहुत पहले से हिंदुस्तान के अंदर थे, और जब शेरशाह सूरी बंगाल के अंदर है तो बिहार के अंदर पे भी एक लोदी, महमूद लोदी है जिन्हें बाबर ने बैटल ऑफ घग्गर में हराया, वो रूल कर रहे थे बिहार के अंदर। और बंगाल के अंदर एक हिंदू शाही रूलर्स थे जिसके अंडर में शेरशाह सूरी के पिता एक कमांडर थे, एक नोबल पोस्ट पे थे, और उनके डेथ के बाद उसी एम्पायर पे शेरशाह सूरी एज अ किंग बनकर एस्टैब्लिश हो गया। शेरशाह सूरी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही वॉज अ वेरी ब्रेव मैन, ही वॉज अ मिलिट्री जीनियस फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ही फॉट अ लॉयर, इसके वजह से उनको शेर खान बोला जाता था। ठीक है, और ड्यू टू हिज मिलिट्री जीनियस और उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज पहले से थी, बचपन से थी, उन्होंने पढ़ाई भी अच्छी खासी करी थी, तो उनके अंदर वो राजा बनने वाला जो बोल सकते हैं द क्वालिटी वो थी उनके अंदर।